दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसे साइंटिस्ट की जो अपने प्यार को एक हादसे में खो देता है और अपने प्यार को खोने के बाद वो बहुत अकेला हो जाता है। लेकिन फिर वो डिसाइड करता है कि वो उस हादसे को बदलने और अपने प्यार को बचाने के लिए पास्ट में जाएगा, जिसके बाद वो आदमी एक टाइम मशीन बनाता है और टाइम ट्रेवल करता है। लेकिन इसी दौरान वो समय में आगे जाकर कुछ ऐसी चीजें देखता है जो उसने कभी सोची भी नहीं थी। अब क्या वो आदमी अपने प्यार को बचा पाएगा और उसने फ्यूचर में जाकर ऐसा क्या देखा जिससे वो हैरान रह गया, चलिए जानते हैं इस कहानी में। तो कहानी की शुरुआत सन 1899 से होती है, जहां हम प्रोफेसर अलेक्जेंडर को देखते हैं जिनका सब्जेक्ट इन्वेंशन करना होता है। एलेक्स अपने कॉलेज में कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहा होता है, तभी उसका दोस्त डेविड उसके पास आता है और एलेक्स से कहता है कि एलेक्स, तुम्हें एमा याद तो है ना। एमा का नाम सुनकर एलेक्स को याद आता है कि आज तो एमा के साथ उसे डेट पर जाना था। अब एलेक्स तुरंत ही अपने घर जाता है, जहां हम देखते हैं कि एलेक्स ने कई तरह की चीजों का इन्वेंशन कर रखा है। एलेक्स अपने कपड़ों को बदलता है और एमा से मिलने एक पार्क में जाने लगता है, तभी उसे एक फूलों की दुकान दिखाई देती है और एलेक्स को याद आता है कि उसने एमा से वादा किया था कि वो उसे फूल देगा, इसीलिए एलेक्स फूल खरीदने जाने लगता है। लेकिन तभी उसकी नजर एक गाड़ी पर पड़ती है जो कि उस समय में काफी रेयर मानी जाती थी, क्योंकि इस समय तक गाड़ियों का आविष्कार नहीं हुआ था। एलेक्स उस गाड़ी के पास जाता है और उसके मालिक से उसके बारे में पूछने लगता है, तभी गाड़ी खुद ही आगे बढ़ने लगती है। एलेक्स गाड़ी का ब्रेक लगाता है और उसे वहीं रोक देता है। इसके बाद एलेक्स जल्दबाजी में बिना फूल लिए ही एमा के पास चला जाता है। एमा एलेक्स को देखती है तो काफी खुश हो जाती है और फिर उससे फूल मांगने लगती है। लेकिन एलेक्स को याद आता है कि वो तो फूल लेना भूल गया। अब एलेक्स एमा को एक पार्क में लेकर जाता है और उसे एक रिंग देकर शादी के लिए प्रपोज करता है। ये सब देखकर एमा बहुत खुश हो जाती है और तुरंत यहाँ कर देती है। लेकिन उनकी ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं रुकती, क्योंकि अब तभी यहाँ पर एक लुटेरा आता है और अपनी गन दिखाकर इन दोनों को धमकाकर इनसे पैसे मांगने लगता है। वो लुटेरा एलेक्स से उसके पैसे और उसकी घड़ी ले लेता है। एमा एलेक्स की दी हुई रिंग को छुपाने की कोशिश करती है, लेकिन वो आदमी एमा से वो रिंग भी मांगने लगता है। एमा वो रिंग उसे देने से मना करती है, तभी वो लुटेरा उससे वो रिंग छीनने की कोशिश करता है। एलेक्स एमा को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन इसी हाथापाई में उस लुटेरे से गोली चल जाती है और एमा यहीं मर जाती है। वो लुटेरा तुरंत यहां से भाग जाता है। एमा को मरता देखकर एलेक्स को काफी दुख होता है और फिर उसकी मौत के बाद एलेक्स को ऐसा लगने लगता है कि उसकी दी हुई रिंग की वजह से ही एमा मरी है। अब एलेक्स ये डिसाइड करता है कि वो एमा को बचाने के लिए पास्ट में जाएगा, इसीलिए अब एलेक्स टाइम मशीन बनाने में लग जाता है। जिसके बाद कहानी 4 साल आगे यानी कि सन 1903 में जाती है, जहां एलेक्स अपने घर में बंद रहकर टाइम मशीन बनाने में लगा होता है। तभी उसका दोस्त डेविड वहां आता है और एलेक्स को समझाने की कोशिश करता है कि एमा तुम्हारी वजह से नहीं मरी है, उसकी मौत के लिए तुम अपने आप को ब्लेम करना छोड़ दो। मगर एलेक्स डेविड की बात नहीं मानता और उसे कहता है कि एक हफ्ते बाद तुम यहां आना, तब हम इसके बारे में बात करेंगे। ये सुनकर डेविड वहां से चला जाता है। फिर एलेक्स तैयार होता है और एक वॉच को अपनी जेब में रखता है और अपनी बनाई टाइम मशीन के पास जाता है, जो उसने 4 साल की मेहनत से तैयार कर ली होती है। एलेक्स टाइम मशीन के अंदर बैठता है और उसे चालू करता है और पास्ट में उसी दिन में पहुंच जाता है जब एमा मरी थी। यहां पर एलेक्स एमा को जिंदा देखता है और काफी खुश हो जाता है। एलेक्स एमा को पार्क से दूर शहर में लेकर जाता है और उसे कहता है कि आज तुम अपने घर चले जाओ, हम कल जरूर मिलेंगे। एमा को एलेक्स का बिहेवियर काफी अजीब लगता है, लेकिन फिर एमा एलेक्स से कहती है कि मुझे वो फूल तो दो जो तुमने मुझसे देने का वादा किया था। ये सुनकर एलेक्स फूल खरीदने चला जाता है और तभी एमा का एक्सीडेंट हो जाता है और एमा एक बार फिर से मर जाती है। ये सब देखकर एलेक्स हैरान रह जाता है और वो समझ जाता है कि वो पास्ट को नहीं बदल सकता। एलेक्स सोचता है कि अगर वो 1000 बार भी टाइम ट्रेवल करके एमा को बचा ले तो फिर भी 1000 तरीकों से एमा आज मारी ही जाएगी। इसीलिए अब एलेक्स एमा को बचाने का तरीका ढूंढने के लिए फ्यूचर में जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि फ्यूचर में जरूर किसी ने टाइम मशीन बनाई होगी और शायद उसने पास्ट को बदलने का कोई रास्ता भी ढूंढ लिया हो। अब एलेक्स अपनी टाइम मशीन को दोबारा से चालू करता है और समय में आगे सन 2030 में पहुंच जाता है, जहां की टेक्नोलॉजी काफी एडवांस हो चुकी थी और यहां पर लोग चांद पर रहने के लिए एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होते हैं। ये सब देखकर एलेक्स हैरान रह जाता है। फिर एलेक्स एक लाइब्रेरी में जाता है ताकि वो ये जान सके कि पास्ट को कैसे बदला जा सकता है। यहां एलेक्स को एक होलोग्राम रोबोट दिखाई देता है जो एलेक्स से बात करता है और उसे कहता है कि मैं वॉक्स 114 हूँ। एलेक्स उसे देखकर हैरान रह जाता है और उससे पूछता है कि हम टाइम ट्रेवल करके पास्ट को कैसे बदल सकते हैं। इस पर वॉक्स एलेक्स को बताता है कि अभी तक किसी ने भी टाइम मशीन नहीं बनाई है, जिस वजह से मेरे पास इस चीज की कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। यहाँ पर वॉक्स एलेक्स को टाइम मशीन के ऊपर लिखी कॉमिक बुक्स दिखाने लगता है। ये देखकर एलेक्स समझ जाता है कि उसके सवालों का जवाब यहाँ पर नहीं है और उसे जवाब को ढूंढने के लिए आगे फ्यूचर में जाना होगा। जिसके बाद एलेक्स 7 साल आगे यानी कि सन 2037 में पहुंच जाता है, जहां वो देखता है कि धरती पर पूरी तरह से तबाही मची हुई है। अब तभी यहां पर 2 सोल्जर्स आते हैं जो कि उसे रेस्क्यू करके अपने साथ सेफ्टी कैंप में ले जाने लगते हैं। तभी एलेक्स उनसे धरती की ऐसी हालत के बारे में पूछता है, जिस पर वो सोल्जर्स एलेक्स को बताते हैं कि इंसानों के द्वारा चांद पर चल रहे प्रोजेक्ट की वजह से चांद अब टूटने लगा है और इसी वजह से धरती पर भूकंप आ रहे हैं।
एलेक्स समझ जाता कि जो प्रोजेक्ट इंसानों ने सन 2030 में शुरू किया था उसी वजह से फ्यूचर में आज भूकंप आ रहे हैं। सोल्जर्स ये बात एलेक्स को बता ही रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर एक और भूकंप आता है और जमीन फटने लगती है। ये देखकर एलेक्स जल्दी से अपनी मशीन में आकर बैठता है और समय में आगे जाने लगता है, लेकिन तभी जमीन फटने की वजह से उसे झटके लगते हैं और वो अपनी मशीन से टकराकर अंदर ही बेहोश हो जाता है और फ्यूचर में ट्रेवल करने लगता है। तभी ट्रेवल के दौरान हम देखते हैं कि पृथ्वी पूरी तरह से तबाह हो गई और फिर दोबारा से धरती पर हरियाली लौट आई। अब तभी ट्रेवल के दौरान एलेक्स को होश आता है और वो तुरंत ही मशीन को बंद कर देता है, मगर वो फिर से यहाँ बेहोश हो जाता है। और हम देखते हैं कि एलेक्स अब टाइम में बहुत आगे सन 802701 में पहुंच चुका है। अब इसके बाद इस समय में एलेक्स को बेहोश दिखाया जाता है और यहाँ एक लड़की मारा उसकी चोटों पर पट्टी कर रही होती है। वो एलेक्स की देखभाल करती है, जिसके बाद जब एलेक्स को होश आता है तो वो वहाँ पर रखे हुए अपने कपड़े पहनता है। तभी वहाँ एक बच्चा आता है, एलेक्स उससे बात करने की कोशिश करता है पर वो बच्चा वहाँ से भागने लगता है। एलेक्स उसके पीछे जाता है तो देखता है कि यहाँ पर लोग जमीन पर नहीं बल्कि पहाड़ों पर लकड़ियों के घर बनाकर रह रहे होते हैं, बिल्कुल एंशियंट लोगों की तरह, और इन लोगों के पास किसी भी तरह की कोई टेक्नोलॉजी का सामान भी नहीं होता। ये देखकर एलेक्स हैरान रह जाता है। तभी वो बच्चा अपने कबीले के सभी लोगों को इकट्ठा करता है और सभी लोग एलेक्स के कपड़े और भाषा को देखते हैं और फिर उसे मारने का फैसला करते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर मारा आती है, जो कि अब तक एलेक्स का ख्याल रख रही थी। वो एलेक्स की भाषा समझ सकती थी। दरअसल इस समय में कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो कि एलेक्स की भाषा यानी कि इंग्लिश को समझ पाते हैं, और मारा एक टीचर थी, इसी वजह से उसे भी एंशियंट लैंग्वेज आती थी। मारा अपने लोगों को एलेक्स को मारने से रोकती है और फिर एलेक्स से पूछती है कि तुम कौन हो और कहां से आए हो। एलेक्स मारा को बताता है कि मैं टाइम ट्रेवल करके यहां पर आया हूं। ये बात सुनकर मारा समझ जाती है कि अगर उसने अपने लोगों को ये बात बताई तो वो लोग इसे झूठ समझेंगे और एलेक्स को मार देंगे। इसीलिए अब मारा अपने सभी लोगों से कहती है कि इसे कुछ भी याद नहीं है कि ये कौन है और कहां से आया है। अब तभी यहां पर एक प्रकार का सायरन बजने लगता है, जिसे सुनकर सभी लोग अपनी नाव को ऊपर खींच लेते हैं और तुरंत ही अपने घरों में चले जाते हैं। यहीं एलेक्स मारा के साथ उसके घर में आ जाता है। यहाँ वही बच्चा भी होता है जिसने सभी लोगों को बुलाया था, और वो बच्चा मारा का छोटा भाई कैलन होता है। एलेक्स कैलन से बात करता है और उसे बताने लगता है कि वो कहाँ से आया है। कैलन को एलेक्स की बातों में काफी इंटरेस्ट होता है और कैलन एलेक्स से उसके समय के बारे में और भी पूछना चाहता है। तभी एलेक्स कैलन को अपनी वही घड़ी देता है और कहता है कि इसे संभाल कर रखना, फिर मैं तुम्हें अपने समय के बारे में और भी बातें बताऊंगा। इसके बाद मारा उस घड़ी को वहीं टांग देती है और अपने भाई को सुला देती है। यही एलेक्स रात में चांद को देखता है जो कि कई हिस्सों में टूट गया होता है। ये सब देखकर एलेक्स समझ जाता है कि वो समय में बहुत ही आगे आ चुका है। मारा एलेक्स से बात करती है और मारा को एलेक्स की बातों पर पूरा विश्वास होता है, इसीलिए मारा उससे कहती है कि हम कल तुम्हारी टाइम मशीन ढूंढने जाएंगे, जिसके बाद एलेक्स यहीं सो जाता है। लेकिन तभी उसे रात में एक ड्रीम आता है जिसके अंदर उसे एक सफेद चेहरा दिखाई देता है और एक लोहे का बड़ा समूह उस पर हमला करता है। ये सब देखकर एलेक्स घबराकर नींद से जाग जाता है, लेकिन तभी एलेक्स देखता है कि कैलन को भी बिल्कुल वैसा ही ड्रीम आया है। यहाँ मारा अपने भाई को शांत कराती है और उसे दोबारा से सुला देती है। यहीं हम देखते हैं कि एलेक्स की वो घड़ी जो कि उसने कैलन को संभालने के लिए दी थी वो अब गायब हो चुकी है। अब इसके बाद एलेक्स मारा को अपना ड्रीम बताता है, जिस पर मारा एलेक्स को बताती है कि यहाँ पर रहने वाले सभी लोगों को बिल्कुल ऐसा ही ड्रीम आता है। ये सुनकर एलेक्स हैरान रह जाता है और मारा से इसका मतलब पूछता है, मगर मारा को भी इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था, इसलिए वो एलेक्स को सो जाने के लिए कहती है। फिर अगले दिन मारा एलेक्स को एक जगह पर लेकर जाती है जहाँ पर एलेक्स के टाइम की भाषा लिखी हुई थी और मारा ने वहीं से इंग्लिश सीखी होती है। मारा एलेक्स से फ्यूचर में आने की वजह पूछती है, जिस पर एलेक्स उसे बताता है कि मैं एक सवाल का जवाब ढूंढने यहाँ आया हूँ कि हम पास्ट को आखिर क्यों नहीं बदल सकते। फिर एलेक्स मारा से उसके कबीले के बुजुर्ग लोगों के बारे में पूछता है, जिस पर मारा एलेक्स को बताती है कि वो सब लोग यहाँ से चले गए हैं। मारा एलेक्स को उन सभी लोगों को याद करने वाली जगह पर ले जाती है जहाँ पर सभी कबीले वाले भी होते हैं और कैलन भी यहीं होता है। वो एलेक्स को देखकर उसके पास आ जाता है और उससे बातें करने लगता है। फिर इसके बाद मारा एलेक्स को उसकी टाइम मशीन के पास लेकर जाती है। एलेक्स अपनी टाइम मशीन को चेक करता है जो कि बिल्कुल ठीक होती है। एलेक्स अब यहाँ से वापस अपने समय में जाने लगता है। तभी मारा एलेक्स से कहती है कि तुम मेरे भाई कैलन को भी अपने साथ यहाँ से ले जाओ। एलेक्स पूछता है कि आखिर क्यों, तुम कैलन को मेरे साथ क्यों भेजना चाहती हो। मारा कहती है कि तुम सवाल मत करो और बस कैलन को अपने साथ ले जाओ। अब तभी यहाँ पर एक सायरन बजने लगता है और सभी कबीले वाले यहाँ से भागने लगते हैं। तभी मारा भी अपने भाई कैलन को बचाने के लिए भागती है। एलेक्स उसके पीछे जाता है और तभी यहाँ पर उसे मॉन्स्टर्स दिखाई देते हैं जो कि जमीन के नीचे रहते थे और बस रात को ही बाहर निकलते थे, मगर आज वो रात होने से पहले ही बाहर आ गए हैं। इन मॉन्स्टर्स को ये सारे कबीले वाले मोरलोक कहते हैं। एलेक्स उन्हें देखकर डर जाता है। यहीं वो सारे मोरलोक कबीले वालों को पकड़कर जमीन के नीचे ले जाने लगते हैं। अब तभी एक मोरलोक कैलन पर भी हमला करता है। एलेक्स मोरलोक से लड़ाई लड़ता है और कैलन को भागने के लिए कहता है।
फिर वो मॉडलॉक एलेक्स के पीछे पड़ जाता है। एलेक्स एक पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करता है पर वो मॉडलॉक उसका पैर खींच लेता है जिससे एलेक्स मॉडलॉक के ऊपर गिरता है। मॉडलॉक एलेक्स को मारने लगता है लेकिन तभी दोबारा वैसा ही सायरन बजता है और सभी मॉडलॉक वापस जमीन के नीचे जाने लगते हैं। लेकिन इसी दौरान एक मॉडलॉक मारा को भी अपने साथ ले जाता है। एलेक्स उसे रोकने की कोशिश करता है पर वो उसे नहीं बचा पाता। एलेक्स सभी कबीलों वालों से मारा को बचाने के लिए कहता है जिस पर कबीले का एक आदमी जिसे एलेक्स की भाषा आती थी वो एलेक्स से बोलता है कि ये हमारे साथ शुरू से ही हो रहा है और हम इसके खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते। एलेक्स सभी कबीले वालों से मॉडलॉक के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए कहता है पर वो आदमी एलेक्स से कहता है कि पहले जाकर तुम ही लड़ो। एलेक्स कैलेन से पूछता है कि मॉडलॉक मारा को कहां ले गए होंगे जिस पर कैलेन उसे एक जगह पर लेकर जाता है। एलेक्स उस जगह को देखता है जो कि वही पास्ट वाली लाइब्रेरी होती है जिसमें सन 2030 में एलेक्स गया था। यहाँ पर एलेक्स को वही होलोग्राम रोबोट वॉक्स 114 भी मिलता है जो कि अभी चालू होता है। एलेक्स वॉक्स से पूछता है कि ये मॉडलॉक कौन है और ये कहां से आए हैं जिस पर वॉक्स एलेक्स को बताता है कि जहां पास्ट में पृथ्वी पर सिर्फ एक ही तरह के इंसान रहते थे वहीं अब पृथ्वी पर दो तरह के इंसान रहते हैं, एक जमीन के नीचे और एक जमीन के ऊपर। यहां हमें पता चलता है कि मॉडलॉक भी पहले इंसान ही थे लेकिन जमीन के नीचे रहते रहते वो इवॉल्व हो गए और बिल्कुल मॉन्स्टर्स जैसे दिखने लगे। वॉक्स एलेक्स को बताता है कि उनमें से एक यहां पर आया था और वो कई सालों तक यहां रहा और मैंने उससे सारी जानकारी पता कर ली। एलेक्स वॉक्स से पूछता है कि आखिर ये मॉडलॉक कहां पर रहते हैं जिस पर वॉक्स एलेक्स को मॉडलॉक का पता बताता है। जिसके बाद एलेक्स और कैलेन जब वहां जाते हैं तो वो उसी बड़े से लोहे के मुंह को देखते हैं जो कि सभी लोग अपने सपने में देखते थे और इसी के अंदर मॉडलॉक रहते हैं। एलेक्स कैलेन से कहता है कि तुम वापस जाकर एक मशाल जला देना ताकि मुझे वापस लौटने का रास्ता पता चल सके। यहां अब कैलेन एलेक्स को बताता है कि तुम्हारी घड़ी भी मेरे पास से किसी ने चुरा ली थी। ये बात सुनकर एलेक्स हैरान रह जाता है कि आखिर मॉडलॉक को घड़ी का क्या काम। अब इसके बाद एलेक्स जब अंदर जाता है तो वो यहाँ पर कई सारे मॉडलॉक को देखता है जो कि किसी न किसी काम में लगे होते हैं और ये लोग बेसिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी कर रहे होते हैं जिससे पता चलता है कि अब भी मॉडलॉक के अंदर दिमाग बचा हुआ है। एलेक्स थोड़ा और आगे जाता है तो देखता है कि जमीन के अंदर की सारी जगह गुफाओं से कनेक्ट है। अब तभी यहाँ पर उसे मारा का लॉकेट मिलता है। फिर एलेक्स यहाँ पर एक गड्ढे में गिर जाता है जहाँ पर पानी और बहुत सारे इंसानों की हड्डियां पड़ी होती हैं। ये देखकर एलेक्स काफी डर जाता है और वहां से भागता है। तभी उसे एक मॉडलॉक देख लेता है और वो मॉडलॉक एलेक्स को पकड़कर एक जगह पर बंद कर देता है। यहाँ पर एलेक्स को मारा भी दिखती है जो कि जिंदा थी और यहाँ कैद होती है। एलेक्स मारा के पास जाकर उससे बात करने की कोशिश करता है पर मारा उसकी कोई भी बात का जवाब नहीं देती और एलेक्स समझ जाता है कि वो किसी के वश में है। तभी एलेक्स यहाँ पर बैठे मॉडलॉक के लीडर को देखता है जो कि बाकी मॉडलॉक के कंपैरिजन में काफी इंसानों की तरह दिख रहा होता है लेकिन उसका रंग बिल्कुल सफेद होता है और वो एलेक्स से उसकी ही भाषा में बात करता है और एलेक्स को बताता है कि जब चांद धरती से टकराया था तब हम जमीन के नीचे आ गए थे और फिर हजारों सालों बाद जब हमने ऊपर जाने की कोशिश की तब हम धूप नहीं सह पाए इसीलिए हम जमीन के नीचे ही रहते रहे और ऐसे बन गए। ये मॉडलॉक एलेक्स को बताता है कि मैं बाकी मॉडलॉक और इंसानों को अपने वश में कर सकता हूँ और मेरे ही कहने पर वो मॉडलॉक इंसानों को खाते हैं। एलेक्स उसकी पीठ को देखता है जो कि बहुत अजीब सी होती है। एलेक्स उससे कहता है कि तुम बाकी मॉडलॉक को इंसानों को मारने से रोकते क्यों नहीं। लेकिन ये मॉडलॉक गुस्से में आ जाता है और एलेक्स का गला पकड़ लेता है और उसे बताता है कि मैं तुम्हारी यादों को भी देख सकता हूँ और मैं जानता हूँ कि तुम पास्ट में जाकर अपने प्यार को बचाना चाहते हो। ये मॉडलॉक एलेक्स को अपनी शक्ति से फ्यूचर का एक सीन दिखाता है जहाँ एलेक्स और एमा साथ रह रहे होते हैं और दोनों की शादी भी हो चुकी होती है। ये देखकर एलेक्स हैरान रह जाता है। तभी एलेक्स वापस आता है और ये मॉडलॉक एलेक्स को बताता है कि अगर एमा मरती नहीं तो तुम कभी टाइम मशीन भी नहीं बनाते और अगर तुम टाइम मशीन ही नहीं बनाते तो फिर तुम एमा को कैसे बचाते। मॉडलॉक कहता है कि एमा के मरने की वजह से तुमने ये टाइम मशीन बनाई है तो फिर इस टाइम मशीन से तुम एमा को कैसे बचा सकते हो। ये बात सुनकर एलेक्स समझ जाता है कि वो अपने पास्ट को कभी भी नहीं बदल सकता। अब एलेक्स को उसके सवाल का जवाब मिल चुका है। यहाँ वो मॉडलॉक एलेक्स के सामने उसकी वही टाइम मशीन लाता है और कहता है कि जिस सवाल का जवाब तुम ढूंढ रहे थे वो तुम्हें अब मिल चुका है इसीलिए अब तुम अपने समय में वापस चले जाओ। एलेक्स अब टाइम मशीन में बैठकर उसे चालू कर देता है। तभी मॉडलॉक उसकी वही घड़ी उसे देने उसके पास आता है मगर एलेक्स मॉडलॉक को भी अपनी मशीन के अंदर खींच लेता है और फिर दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है। मॉडलॉक एलेक्स को मारता है और उसका गला दबाने लगता है। तभी एलेक्स मशीन का एक मीटर तोड़ देता है जिससे मॉडलॉक के ऊपर गैस गिरती है और वो एलेक्स का गला पकड़कर मशीन के बाहर लटक जाता है। तभी एलेक्स मशीन को समय में आगे भेज देता है जिससे अब मॉडलॉक का शरीर मशीन से बाहर होने की वजह से समय से होकर गुजरता है और आखिर में मरकर खत्म हो जाता है लेकिन उसके हाथ मशीन के अंदर होने की वजह से बिल्कुल सही रहते हैं। एलेक्स अब समय में बहुत ही आगे पहुंच जाता है और यहां वो देखता है कि धरती पूरी तरह से तबाह हो चुकी है और मॉडलॉक ने सभी इंसानों को खत्म कर दिया है। ये सब देखकर एलेक्स सोचता है कि वो अपने प्यार एमा को तो नहीं बचा सकता
लेकिन वो मारा और उसके लोगों को तो बचा सकता है। इसीलिए अब एलेक्स मुरलो को खत्म करने के लिए वापस उसी समय में आता है और मारा को कैद से छुड़ाता है और टाइम मशीन को चालू करके उसके गियर में अपनी घड़ी अटका देता है ताकि टाइम मशीन यहाँ से कहीं ना जाए। एलेक्स मारा के साथ यहाँ से भागने लगता है। मारा और एलेक्स उस पूरी जगह से बाहर निकलते हैं और तभी टाइम मशीन में ब्लास्ट हो जाता है जिससे समय की वेव्स निकलती हैं और मोरलोक के शरीर से होकर गुजरती हैं जिससे सभी मोरलोक खत्म हो जाते हैं और इस तरह एलेक्स इंसानों को मरने से बचा लेता है। यही एलेक्स की टाइम मशीन भी खराब हो चुकी थी और उसे मारा से प्यार भी हो गया होता है। इसी वजह से एलेक्स इन कबीले वालों के साथ रहने का फैसला करता है। यही एलेक्स कबीले के लोगों को पढ़ाने के लिए अब वॉक्स की मदद लेता है क्योंकि वॉक्स के पास अब तक की सारी जानकारी थी और वॉक्स सभी लोगों को पढ़ाता है। यही एलेक्स मारा और कैलेन को उसी जगह पर ले जाता है जहां पास्ट में उसका घर हुआ करता था। वहीं दूसरी तरफ सन 1903 में हम डेविड को देखते हैं जो कि एक हफ्ते बाद एलेक्स के घर पर आता है, लेकिन यहां पर एलेक्स की मैड उसे बताती है कि एलेक्स एक हफ्ते से गायब है। इस पर डेविड उनसे कहता है कि मुझे लगता है एलेक्स जहां भी गया होगा वो वहां खुश होगा, इसी वजह से वो वापस नहीं लौटा। अब डेविड घर से बाहर जाता है और अपनी टोपी को उतार कर एलेक्स को ट्रिब्यूट देता है और इसी एंडिंग के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। दोस्तों ये थी द टाइम मशीन मूवी की फुल स्टोरी। आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल वॉच मिस्ट्री हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।